हमें हम सब घर वालों को ऐसा लगा था कि कोरोना वायरस सिर्फ न्यूज़पेपर और टीवी पे ही देखेंगे सुनेंगे। कभी सोचना तो छोड़ो, गलती से दिमाग में भी नहीं आया कि मुझे इसका इन्फेक्शन हो जाएगा। सिम्टम्स आए, डॉक्टर के पास गए, टेस्टिंग कराई, और जब इन्फेक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। अकेलापन और डर जैसे मुझ पर हावी हो गया। दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी, लेकिन ऐसे घड़ी में कुछ नए अलग दोस्त भी बने जिनको बुलाना अब कभी भी मुमकिन नहीं होगा। गणेश हमारे वार्ड का पहलवान, बस मस्त रहो सर कहने वाला। पाटकर सिस्टर जो समय समय पर फीवर चेक करते थे, दवाइयां भी देते थे और पीपीई किट के थ्रू आंखों से हौसला भी देते। डॉक्टर्स इंटर्न्स थे या सीनियर क्या पता, लेकिन निरंतर मेरी सेवा में जुटे हुए थे। फिर पता चला कि ऐसे भी कई दोस्त हैं जो कभी हमारे सामने नहीं आए, लेकिन दोस्ती का फर्ज अदा किया। सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले और दूसरे एसेंशियल सर्विसेज जिन्होंने इनडायरेक्टली सही पर हमें लड़ने की ताकत दी। और धन्यवाद उन अनजान दोस्तों को जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया। अब मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ, कुछ तो योगदान दो इस लड़ाई में, ताकि दोस्ती ये शब्द सिर्फ कहने मात्र ना रह जाए। शायद इसीलिए कहते हैं ना कि बुरे वक्त में जो साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। दिस फ्रेंडशिप डे लेट्स रीस्टार्ट राइट एंड बिल्ड न्यू बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप।